Hello dear students, welcome to you my online classes and I am Dr. D.L. Kumar, biology faculty. Now today we discuss difference between prokaryote and eukaryote cell. Students, इससे पूर्व की वीडियो में हमने प्रोकैरियोट और यूकेरियोट कोशिका के अवयव बात किए थे और आज हम बात करेंगे प्रोकैरियोट और यूकेरियोट कोशिका में क्या अंतर है। तो देखिए, प्रोकैरियोट सेल के जब अपन अवयव बात किए थे कि उनके कौन कौन से पार्ट है वो, और यूकेरियोट कोशिका के कौन कौन से पार्ट है उन्हीं को लेते हुए अपन उनमें क्या अंतर है वो अपन बात करेंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं प्रोकैरियोट सेल और यूकेरियोट सेल में अंतर, और इसके लिए मैंने एक टेबल बनाई है और इस टेबल में ये मैंने सीरियल नंबर लिए, क्रम संख्या, ये प्रॉपर्टी यानी लक्षण है इसके। यहां पर प्रोकैरियोट सेल के लक्षणों की बात करेंगे, यहां यूकेरियोट सेल के लक्षणों की बात करेंगे। तो इस जैसे एक लक्षण में उनमें दोनों में क्या अंतर है वो अपने को नजर आ जाएंगे। और ये जो अंतर मैं ले रहा हूं लगभग 26 अंतर में आपको बताऊंगा, और ये एकदम इजी वे है, आप स्टेप बाय स्टेप अगर देखेंगे तो आपको लर्न हो जाएंगे। तो देखिए, अपन यहां डायग्राम भी मैंने बनाया, ये प्रोकैरियोट सेल का डायग्राम है और ये यूकेरियोट सेल का डायग्राम। हम यहां पर दोनों में कंपैरिजन करते हुए अंतर बात करेंगे और एकदम बिल्कुल इजी सरल भाषा में अपन बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले बात कर रहे हैं अपन साइज की, यानी अमाउंट। तो देखिए, प्रोकैरियोट कोशिका जो है छोटे आकार की होती है और यूकेरियोटिक जो कोशिका है वो बड़े आकार की है। तो जो है, अगर मैं कहूं लक्षण क्या देख रहे अपन बेटा, अमाप। प्रोकैरियोट कोशिका का अमाप क्या है, छोटी, और कितना अमाप है, 0.1 से 0.12 10 माइक्रोमीटर, यानी 0.1 से 10 या 10 माइक्रोमीटर तक के साइज की है। कौन सी है, प्रोकैरियोट सेल। यूकेरियोट सेल की बात करें तो ये बड़ी साइज में बड़ी कोशिका है और ये 5 से 100 माइक्रोमीटर लंबी चौड़ी होती है। तो ये छोटी कोशिका है और ये बड़ी कोशिका है, पहला अंतर अपने समझ में आया बात यहां पर। अब देखिए, अपन ने सबसे पहले साइज लिया, अब मैं जितने भी अंतर ले रहा हूं यहां से अपन चलेंगे और यहां तक पहुंचेंगे और इसके अंदर सारे अंतर में आपको बताऊंगा, क्लियर। चलिए, अपन अगला अंतर बात करें ग्लाइकोकैलिक्स, यानी देखिए प्रोकैरियोट कोशिका में एक पॉलीसेकेराइड का कवर्ड आवरण है और उसे अपन कहते हैं ग्लाइकोकैलिक्स या औपंक स्तर, जो वहां मैंने हिंदी में बताए थे औपंक स्तर। तो ये जो डॉटेड रूप में आपको दिख रहा है ये ग्लाइकोकैलिक्स है, जो पॉलीसेकेराइड यानी कार्बोहाइड्रेट का बना हुआ है और इसे अपन कहते हैं औपंक स्तर। तो देखिए, प्रोकैरियोट सेल में क्या दिख रहा है आपको, प्रेजेंट है, उपस्थित है ग्लाइकोकैलिक्स, जो कैप्सूल भी अपन कह सकते हैं इसको। तो ये कैप्सूल उपस्थित है, दिख रहा है आपको, इसमें कहीं कोई कैप्सूल दिख रहा है आपको, डॉटेड लाइन दिख रही है, कहीं भी कैप्सूल दिख रहा है, नहीं दिख रहा। तो यहां उपस्थित है प्रोकैरियोट सेल में कैप्सूल, और यहां पर कैप्सूल स्तर जो है वो एब्सेंट होगा, ठीक है। थर्ड डिफरेंट अपन बात करें सेल वॉल में, तो देखो अपन ने सबसे बाहर का बात कर लिया, सेल वॉल, ये सेल वॉल है तो सेल वॉल में बात करेंगे। तो देखिए, सेल वॉल प्रेजेंट है इसमें, इसमें भी क्या है, ये सेल वॉल है, यहां से ये पूरी की पूरी सेल वॉल है ये, तो ये सेल वॉल दिख रही है आपको यहां पर भी, तो सेल वॉल प्रेजेंट। परंतु यहां जो सेल वॉल है वो किसकी बनी है, म्यूकोपेप्टाइड की। म्यूकोपेप्टाइड क्या है, म्यूरेमिक अम्ल और प्रोटीन मिलकर क्या बनाते हैं, भी म्यूकोपेप्टाइड या पेप्टिडोग्लाइकन बनाती है। उस पेप्टिडोग्लाइकन की ये बनी हुई है, किसकी, प्रोकैरियोट सेल की सेल वॉल म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है। जबकि अगर मैं यहां बात करूं यूकेरियोट सेल की, तो यूकेरियोट सेल में जो सेल वॉल है वो प्लांट में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, एनिमल में जो सेल है उसमें सेल वॉल एब्सेंट रहती है। तो प्लांट में जो सेल वॉल उपस्थित है प्लांट सेल में, वो सेलुलोज की बनी होती है, और अगर मैं फंगी की बात करूं या कवकों की बात करूं तो कवकों में काइटिन की बनी होती है, जंतु कोशिका में सेल वॉल नहीं होती है।
तो देखिए यहां पर लिखे सेल और प्रेजेंट म्यूकोपेप्टाइड, यहां प्रेजेंट प्लांट सेल में, प्लांट सेल में उपस्थित है जो किसकी बनी है, सेलुलोज की। एब्सेंट एनिमल सेल में, जंतु कोशिका में एब्सेंट रहती है यानी नहीं होती है। क्लियर? तो अंतर नजर आ गया अपने को। नेक्स्ट अपन बात करें सेल मेम्ब्रेन। तो देखिए ये सेल मेम्ब्रेन है, ये इसमें ये सेल मेम्ब्रेन और इसमें ये सेल मेम्ब्रेन है, तो ये सीएम है, सीएम मीन सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, अब अंतर क्या है तो देखिए रेस्पायरेटरी एंजाइम, देखो प्रोकैरियोट सेल जो है, ये प्रोकैरियोट सेल है, इसकी सेल मेम्ब्रेन जो है जिसे अपन कोशिका कला कहते हैं, कोशिका कला कहते हैं, इसकी में रेस्पायरेटरी यानी श्वसनकारी एंजाइम उपस्थित है। तो देखो ये जो है दिख रहे हैं आपको, ये सारे के सारे श्वसनकारी एंजाइम है जो डोर्स के रूप में दिख रहे हैं, ये श्वसनकारी एंजाइम है। तो जो प्रोकैरियोट सेल जो है, उस प्रोकैरियोट सेल के सेल मेम्ब्रेन में जो है रेस्पायरेटरी एंजाइम प्रेजेंट होते हैं यानी श्वसनकारी एंजाइम उपस्थित होते हैं। जबकि यहां आपको कहीं डॉट दिख रही है, ये सेल मेम्ब्रेन है, ये पूरी पूरी जो कवर डाउन कहीं दिख रहे हैं तो रेस्पायरेटरी एंजाइम नहीं होते हैं, तो एब्सेंट रहेंगे। तो देखिए सेल मेम्ब्रेन अंतर हो गया, रेस्पायरेटरी एंजाइम प्रेजेंट, यहां एब्सेंट। क्लियर? तो देखो मैं स्टेप बाय स्टेप चल रहा हूं, पहले सबसे बाहर तो ग्लाइकोकैलेक्स में बात की, फिर सेल वॉल में बात की, फिर सेल मेम्ब्रेन में बात की। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म कहां है, ये साइटोप्लाज्म, यहां जितना भरा हुआ मेटीरियल है साइटोप्लाज्म, ऐसे इसमें जितना मेटीरियल भरा हुआ वो क्या है, साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य। अब कोशिका द्रव्य में देखिए जो प्रोकैरियोट सेल होती है उसके कोशिका द्रव्य में साइटोस्केलेटन यानी कोशिका द्रव्यी कंकाल और कोशिका द्रव्यी गति नहीं पाई जाती है। तो प्रोकैरियोट कोशिका के कोशिका द्रव्य में कोशिका द्रव्यी कंकाल और कोशिका द्रव्यी घूर्णन या गति नहीं होती है, जबकि इसमें ये दोनों प्रेजेंट होती है। तो प्रोकैरियोट सेल के जो प्रोकैरियोट सेल होगी उसमें एब्सेंट रहेंगे ये दोनों, यानी साइटोस्केलेटन नहीं, और साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट नहीं, एब्सेंट रहेंगे। जबकि यूकेरियोट जो सेल होगी उसमें कोशिका द्रव्यी जो कंकाल है वो भी होगा और उसमें घूर्णन गतियां भी या उसमें मूवमेंट भी होगा। ठीक है, तो ये अंतर हो गया साइटोप्लाज्म में। नेक्स्ट अपन बात करें मेम्ब्रेन इनक्लोज ऑर्गेनेल्स। देखो कला बंधित या कला युक्त सेल ऑर्गेनेल्स कोशिकांग, तो ऐसे कौन कौन से कोशिकांग यूकेरियोट सेल में है और प्रोकैरियोट सेल में जिनमें कला उपस्थित है, तो कला युक्त कोशिकांग। तो देखिए मैं बात करूं बेटा कला युक्त कोशिकांगों की, तो इसमें सारे के सारे कलायुक्त कोशिकांग एब्सेंट रहते हैं। कलायुक्त कोशिकांग का मतलब है ऐसे कोशिकांग जिसमें उनके चारों ओर सेल मेम्ब्रेन मतलब मेम्ब्रेन प्रेजेंट हो, उसे कहेंगे कलायुक्त कोशिकांग। तो इसमें एक भी नहीं है, तो सारे के सारे क्या है, एब्सेंट है। इसमें मैं बात करूं तो सारे के सारे जो मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स है वो प्रेजेंट होंगे। तो देखो प्रेजेंट में गोल्जी बॉडी कला यूनिट मेम्ब्रेन है यानी एकल कला है इसके चारों ओर, माइटोकॉन्ड्रिया के चारों ओर दोहरी कला है, क्लोरोप्लास्ट के चारों ओर भी दोहरी कला है, लाइसोसोम के चारों ओर एकल कला है, इसी प्रकार एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के चारों ओर भी एकल कला है। तो कलायुक्त कोशिकांग उपस्थित है यहां और यहां कलायुक्त कोशिकांग अनुपस्थित है। तो हो गया सेल ऑर्गेनेल्स की बात, एब्सेंट और यहां प्रेजेंट, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट गोल्जी बॉडी ईआर लाइसोसोम माइक्रोट्यूबल्स माइक्रोबॉडीज, ये सारी की सारी कलायुक्त कोशिकांग प्रेजेंट होते हैं यूकेरियोट में और प्रोकैरियोट में एब्सेंट होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट डिफरेंट अपन बात करें, देखो मैं स्टेप से चल रहा हूं, बाहर से अंदर की तरफ चल रहे हैं, तो अब अपन अंदर क्या आएगा अपने मेजोसोम। मेजोसोम क्या है, मेजोसोम बेटा एक कोशिकांग है। तो देखिए ये जो आपको दिख रहा है ये यहां पर ये मेजोसोम है, तो सेल मेम्ब्रेन जो है फोल्डेड होकर यानी वलित होकर अंतर्वलित होकर अंतर्वलित हो रही है। देखो किस तरीके से, देखो ये है, मैं बता दूं इसको आपको वापस बना के, देखो ये सेल मेम्ब्रेन है, तो ये सेल मेम्ब्रेन इस तरीके से क्या हो रही है, वलित होकर क्या बनाया इसने, मेजोसोम। तो मेजोसोम क्या होगा,
इसमें प्रेजेंट है, दिख रहा भी है, इसमें कहीं दिख रहा है आपको नहीं, तो मीजोसोम क्या हो गया इसमें एब्सेंट हो गया। तो यहां प्रेजेंट होता है और यहां यानी यूकेरियोट में एब्सेंट होता है, क्लियर। तो मीजोसोम यहां प्रेजेंट है प्रोकेरियोट में और यूकेरियोट में मीजोसोम एब्सेंट है। नेक्स्ट डिफरेंट अपन बात करें राइबोसोम। राइबोसोम देखिए, ये जो इकाई आपको दिख रही है ये राइबोसोम दिख रही है आपको, इकाई जो एट के रूप में दिख रही है, ये इसकी बड़ी यूनिट है और ये इसकी छोटी यूनिट है, तो ये राइबोसोम है। अब इसमें जो राइबोसोम होते हैं बेटा वो होते हैं 70S प्रकार के, किसमें प्रोकैरियोट सेल में 70S प्रकार के राइबोसोम होंगे, और जो यूकेरियोट सेल होगी इसमें होंगे तीन प्रकार के होते हैं 55S 70S व 80S प्रकार के राइबोसोम। ये तीनों प्रकार के राइबोसोम प्रेजेंट होंगे किसमें यूकेरियोटिक सेल में, जबकि इसमें केवल 70S प्रकार के होंगे। तो स्मॉल साइज के होंगे और 70S प्रकार के होंगे, इसमें लार्ज साइज के होंगे और 80 और 70 और साथ में अपन कह सकते हैं 55S भी होते हैं इसमें। तो ये सब राइबोसोम इसमें प्रेजेंट होंगे कौन सी सेल में यूकेरियोटिक सेल में, और प्रोकेरियोट सेल में केवल और केवल 70S प्रकार के, क्लियर। नेक्स्ट डिफरेंट अपन बात करें न्यूक्लियस। तो देखो राइबोसोम से अपन आप कहां पहुंच गए भी, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस कहां है, ये इसमें कहां है न्यूक्लियस, ये यहां पर। तो देखो न्यूक्लियस में डिफरेंट करें अपन न्यूक्लियोइड के रूप में। देखो आपको भी पता है कि जब मैंने आपको बताया था प्रोकेरियोट सेल और यूकेरियोट सेल बताई थी तो मैंने क्लियर किया था, एक प्रोकेरियोट मींस क्या है प्रो और कैरियन, प्रो मींस प्रिमेटिव और कैरियन मींस न्यूक्लियस, यानी जिसमें प्रिमेटिव न्यूक्लियस है। प्रिमेटिव न्यूक्लियस मींस मैंने आपको क्लियर किया था कि सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लास्ट या कोशिका द्रव्य सॉरी केंद्र द्रव्य और केंद्रिका एब्सेंट होगी, किसमें होगी प्रोकैरियोट में। तो इस तरीके के केंद्र को अपन केंद्र को क्या कहते हैं न्यूक्लियोइड कहते हैं या जीनोफोर कहते हैं, वही अपन बात कर रहे हैं। तो न्यूक्लियस न्यूक्लियोइड के रूप में, क्लियर। और यहां कैसा होगा, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होगा जिसमें केंद्रक झिल्ली, केंद्रक द्रव्य और केंद्रिका उपस्थित होगी, इट इज क्लियर। तो ये बात हो गई अपनी न्यूक्लियस में। नेक्स्ट डिफरेंट अपन बात करें 10 नंबर का, और क्रोमेटीन, क्रोमेटीन जाल, क्रोमेटीन जाल याद है कुछ आपको प्रीवियस वीडियो में देखा था, तब क्रोमेटीन जाल मैंने कहा था डीएनए प्लस आरएनए प्लस नॉन स्टोन प्रोटीन। तो प्रोकैरियोट में जो क्रोमेटीन जाल होगा वो डीएनए आरएनए और नॉन स्टोन प्रोटीन से मिलकर बना होगा, तो डीएनए आरएनए और नॉन स्टोन प्रोटीन। और यदि मैं बात करूं यूकेरियोट सेल की तो इसका क्रोमेटिन जाल किसका बना होगा, डीएनए आरएनए और स्टोन प्रोटीन। तो इसमें कौन सी होगी भैया, डीएनए आरएनए और स्टोन प्रोटीन, क्लियर। यहां तक के डिफरेंट आपके क्लियर हो गए, यहां कोई समस्या है, यहां तक अपन डिफरेंट स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं और बाहर से अंदर की तरफ चल रहे हैं और हम पहुंच गए हैं यहां न्यूक्लियस के पास। चलिए नेक्स्ट डिफरेंट अपन बात करें क्रोमोसोम। देखिएगा क्रोमोसोम की अगर मैं बात करूं तो ये क्रोमेटिन जाल जो है प्रोकैरियोट में सारा का सारा क्रोमेटिन जाल मिलकर एक क्रोमोसोम बनाता है यहां, और यहां बहुत सारे क्रोमोसोम बनाते हैं और ये वेल ऑर्गेनाइज्ड रूप में नहीं होते हैं क्रोमोसोम, तो वेल डेवलप नहीं होंगे और वेल ऑर्गेनाइज्ड कह दो वेल ऑर्गेनाइज्ड या पूर्ण संगठित नहीं है, हिंदी में बोले तो अपन पूर्ण संगठित नहीं होंगे या डेवलप पूर्ण विकसित नहीं है, उसे अपन क्या कहेंगे प्रो क्रोमोसोम, क्लियर। तो क्या कहेंगे, यहां क्रोमोसोम किस रूप में होंगे, प्रो क्रोमोसोम के रूप, और यहां वेल ऑर्गेनाइज यानी पूर्ण संगठित रूप में केंद्रक क्रोमोसोम होंगे, गुणसूत्र होंगे, क्लियर। तो यहां कैसे क्रोमोसोम है बेटा, प्रो गुणसूत्र है और यहां पूर्ण विकसित गुणसूत्र है, क्लियर। नेक्स्ट अपन बात करें नंबर ऑफ क्रोमोसोम या क्रोमोसोम की संख्या की बात करें अपन, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम की बात करें तो देखिए यहां वन होगी,
केवल एक गुणसूत्र, यानी पूरा का पूरा क्रोमेटिन जाल जो है वो केवल एक क्या बनाएगा, गुणसूत्र बनाएगा। तो गुणसूत्रों की संख्या की मैं बात करूं प्रोकैरियोट सेल के लिए तो एक, और यहां पर बात करें यूकैरियोट में गुणसूत्रों की संख्या की मैं बात करूं तो मोर देन, यानी बहुत सारे गुणसूत्र होंगे और प्रत्येक जाति में अलग अलग संख्या होगी। जैसे मानव में बात करूं मैं तो 46 गुणसूत्र होते हैं, तो गुणसूत्रों की संख्या एक से अधिक होगी और यहां क्या होगी, केवल एक होगी। तो क्लियर हो गया, यहां प्रोकैरियोट सेल में एक गुणसूत्र और यहां बहुत सारे गुणसूत्र होंगे यूकैरियोट सेल में। क्लियर। नेक्स्ट डिफरेंट अपन बात करें प्लाज्मिड एंड एपिसोम। अब देखो इसको समझे अपन, प्लाज्मिड क्या है और एपिसोम क्या है। देखिए ये एक अतिरिक्त डीएनए है, ये जो सर्किल के रूप में है, जो आपको गोले के रूप में दिख रहा है, तो एक अतिरिक्त वृत्ताकार डीएनए को अपन क्या कहते हैं बेटा, प्लाज्मिड। तो ये है प्लाज्मिड। जब ये प्लाज्मिड अलग रहे, ठीक है, तो ये हो गया प्लाज्मिड के रूप में। जब ये प्लाज्मिड अपने न्यूक्लियर डीएनए जो है केंद्रक डीएनए इसी के साथ अटैच हो जाए, इसी के साथ जुड़ जाए, तो उसे अपन क्या कहेंगे, एपिसोम। क्लियर। तो देखो यहां आपको प्लाज्मिड भी दिख रहा है और एपिसोम भी दिख रहा है, यहां कहीं दिख रहा है आपको न प्लाज्मिड है और न एपिसोम है। तो देखो प्लाज्मिड और एपिसोम प्रेजेंट, तो प्रोकैरियोट कोशिका में प्लाज्मिड और एपिसोम प्रेजेंट होता है और यूकैरियोट कोशिका में प्लाज्मिड और एपिसोम एब्सेंट होते हैं। इट इज क्लियर। नेक्स्ट डिफरेंट अपन बात करें फ्लैजिला। फ्लैजिला देखिए कशाभिकाएं, ये जो आपको एक तंतुनुमा रचना दिख रही है इसे अपन कहते हैं कशाभिकाएं। तो कशाभिकाएं इनमें भी है और इनमें भी है, यानी प्रोकैरियोट सेल में भी कशाभिका होगी और यूकैरियोट सेल में भी कशाभिका प्रेजेंट होगी। परंतु जो प्रोकैरियोट सेल है उसमें जो कशाभिका होगी वो सिंपल होगी, सिंपल होगी। और इसकी जो व्यवस्था, अगर मैं बात करूं इस कशाभिकाओं की, तो इसकी जो व्यवस्था होगी वो किस रूप में होगी वो मैं आपको बता दूं। देखिए सिंपल कशाभिकाएं हैं और इसमें शून्य प्लस टू या शून्य प्लस वन व्यवस्था है कशाभिकाओं। अब ये क्या है, देखो इनका जो अरेंजमेंट है वो, जैसे अगर मैं कहूं इस कशाभिका भी अपन अनुप्रस्थ काट काट के देखें, तो देखिए इसमें नौ परिधीय तंतु होते हैं, इसे नौ परिधीय तंतु और दो केंद्रीय तंतु होते हैं, इसे अपन कहते हैं 9+2 व्यवस्था। परंतु जो प्रोकैरियोट सेल होती है, उस प्रोकैरियोट सेल की जो कशाभिकाएं होती है उसके कशाभिकाओं में ये परिधीय तंतु नहीं होते हैं, नहीं। तो क्या व्यवस्था होगी बेटा, शून्य प्लस टू। अगर ये शून्य यहां पर हो और यहां एक ही हो तो क्या कहेंगे फिर इसको, शून्य प्लस वन व्यवस्था। क्लियर। जबकि जो यूकैरियोटिक सेल होती है उसमें दो केंद्रीय तंतु होंगे और नौ परिधीय तंतु होंगे, तो कैसी व्यवस्था हो गई, 9+2 व्यवस्था। इट इज क्लियर। तो ये है देखो फ्लैजिला, सिंपल है, शून्य प्लस टू या शून्य प्लस वन व्यवस्था होगी और यहां कॉम्प्लेक्स होंगे, जटिल होंगे, जिसमें 9+2 या फिर एब्सेंट होंगे, या तो फ्लैजिला एब्सेंट होंगे या फिर 9+2 व्यवस्था होगी जिसमें है। तो ये अपन ने 14 डिफरेंट यहां हो गए। नेक्स्ट अपन 15वें या 15 नंबर का डिफरेंट अपन बात करें पीली और सीलिया। देखो पीली और सीलिया ये आपको जो दिख रहे हैं वैसे नुमा हेयर लाइक स्ट्रक्चर, रोम के समान रचना, इसे अपन पीली कहते हैं। और सीलिया ये भी एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होगी जो सीलिया के रूप में। तो देखो पीली जो है प्रेजेंट होंगे किसमें, प्रोकैरियोट सेल में, और सीलिया जो है वो एब्सेंट होंगे किसमें, प्रोकैरियोट सेल में। क्लियर। यूकैरियोट सेल की बात करें तो पीली यहां क्या होंगे, पीली एब्सेंट और सीलिया प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो प्रोकैरियोट कोशिका में पीली उपस्थित होते हैं और सीलिया एब्सेंट होते हैं। और यदि मैं बात करूं यूकैरियोट कोशिका की, तो यूकैरियोट कोशिका में पीली अनुपस्थित होते हैं और सीलिया उपस्थित होते हैं। इट इज क्लियर। नेक्स्ट डिफरेंट अपन 16 नंबर का डिफरेंट बात करें सेल डिवीजन।
अब देखो पूरी कोशिका के स्ट्रक्चर से संबंधित सारे डिफरेंट लगभग हो गए। अब अपन इसकी प्रॉपर्टी कुछ इस तरीके के लक्षणों की बात करेंगे जो ये लक्षण बिहेवियर प्रदर्शित करती है ये कोशिकाएं। तो देखो सेल डिवीजन, इसमें एमाइटोसिस यानी असूत्री विभाजन, असूत्री जिसमें गुणसूत्र भाग नहीं लेते हैं, तो असूत्री प्रकार का विभाजन होता है। तो देखो कोशिका विभाजन कहेंगे अपन सेल डिवीजन को, कोशिका विभाजन, यहां असूत्री होगा और यहां कौन सा होगा बेटा समसूत्री, समसूत्री और अर्ध अर्धसूत्री होगा। तो प्रोकैरियोट सेल में असूत्री विभाजन और यूकैरियोट सेल में समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन होते हैं। नेक्स्ट डिफरेंट अपन बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लैंगिक जनन। प्रोकैरियोट सेल में लैंगिक जनन एब्सेंट होता है, उसकी जगह पैरासेक्सुअलिटी प्रेजेंट होती है। पैरासेक्सुअलिटी यानी केवल एक सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन, एक कॉम्बिनेशन होता है केवल उनका, तो पैरासेक्सुअलिटी प्रेजेंट होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होगा, लैंगिक जनन क्या होगा, एब्सेंट रहेगा। यहां लैंगिक जनन क्या होगा, उपस्थित होगा। तो प्रोकैरियोट सेल में लैंगिक जनन का क्या होगा, अभाव, और यूकैरियोट सेल में लैंगिक जनन उपस्थित होगा। क्लियर। नेक्स्ट अपन बात करें फॉर्म यानी रूप, इनका रूप कैसे होगा। तो जितने भी जो प्रोकैरियोट्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो यूनिसेलुलर होते हैं बेटा, एक कोशिकीय, यानी पूरा शरीर केवल मात्र एक कोशिका का बना होता है, तो प्राय एक कोशिकीय। और ये कैसे होते हैं यूकैरियोट्स, जो जितने भी जो यूकैरियोट्स है वो कैसे होते हैं बेटा, मल्टी सेलुलर होते हैं यानी बहु कोशिकीय होते हैं। तो ये कैसे होंगे, बहु कोशिकीय होंगे। इट इज क्लियर। नेक्स्ट डिफरेंट अपन 19 नंबर का बात करें नाइट्रोजन फिक्सिंग, नाइट्रोजन यौगिकीकरण, यानी नाइट्रोजन जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन है उस वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के ऑक्साइडों में बदलने की क्रिया को अपन क्या कहते हैं बेटा, नाइट्रोजन यौगिकीकरण। तो नाइट्रोजन यौगिकीकरण की क्षमता प्रोकैरियोट सेल में प्रेजेंट होती है, क्योंकि प्रोकैरियोट सेल में किसको इंक्लूड किया गया है, बैक्टीरिया को, साइनोबैक्टीरिया को, साइनोबैक्टीरिया जिसे अपन नील हरित शैवाल भी कहते हैं, साइनो जीवाणु या नील हरित शैवाल, बीजीए भी कहते हैं। धान के खेतों में जब पानी भर देते हैं, चावल के खेतों में, और उसमें फिर एक नीले रंग की काई उग जाती है, उसे अपन नील हरित शैवाल कहते हैं। और वो क्या करती है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को किसमें बदलती है, नाइट्रोजन के ऑक्साइडों में, वही है नाइट्रोजन फिक्सिंग। तो इनमें ये एबिलिटी क्या होगी, योग्यता क्या होगी, उपस्थित। और यूकैरियोट में नाइट्रोजन यौगिकीकरण की क्षमता नहीं पाई जाती है, तो इनमें ये एबिलिटी एब्सेंट रहेगी। क्लियर। नेक्स्ट डिफरेंट अपन बात करें 20 नंबर का डीएनए। देखो बेटा अपन ने यहां ये जो क्रोमेटिन जाता है उससे डीएनए फॉर्मेट होता है, उससे जेनेटिक्स से संबंधित कुछ डिफरेंट अपन यहां बात कर रहे हैं आनुवंशिक से संबंधित। देखो डीएनए सर्कुलर डीएनए होगा बेटा, इसमें सर्कुलर यानी वर्ताकार, और अपन देख भी रहे हैं यहां पर मैंने बनाया कि वर्ताकार, तो इसमें कैसा डीएनए होगा, वर्ताकार डीएनए होगा। और इसमें जो अपने बात कर रहे हैं अपन यूकैरियोट सेल की, तो यूकैरियोट सेल में डीएनए कैसा होगा बेटा, लीनियर, यानी इस तरीके से रेखा के रूप में होगा, लीनियर डीएनए होगा। ठीक है, तो यहां डीएनए कैसा होगा बेटा यूकैरियोट सेल में, सॉरी प्रोकैरियोट सेल में सर्कुलर डीएनए होगा, और यहां कैसा होगा, लीनियर डीएनए होगा इस तरीके से। क्लियर, रेखीय डीएनए। नेक्स्ट डिफरेंट अपन बात करें जीनोम, यानी इसका जीनोमिक स्ट्रक्चर क्या होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपको कई बार पूछा जाता है कि जो प्रोकैरियोट सेल है उसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी, एक, और उसकी सूत्र गुणिकता कितनी है, यानी उसमें कैसी स्थिति में जीनोमिक कंडीशन में क्या है, सूत्र गुणिकता क्या है, तो हैप्लोइड है बेटा, ये अगुणित, क्या कहेंगे इसे, अगुणित, क्योंकि इसमें ट्वेन कंडीशन है ही नहीं। जबकि जो यूकैरियोट सेल है इसमें गुणसूत्र क्या बहुत सारी है, तो यहां द्विगुणित कंडीशन अपन कहेंगे। तो प्रोकैरियोट सेल की सूत्र गुणिकता क्या है, अगुणित, और यूकैरियोट सेल की सूत्र गुणिकता क्या है, द्विगुणित। तो देखिए यहां पर मैंने कह दिया जीनोमिक कंडीशन हैप्लोइड और डिप्लोइड, यानी अगुणित और द्विगुणित। तो प्रोकैरियोट सेल अगुणित और यूकैरियोट सेल द्विगुणित। इट इज क्लियर।
नेक्स्ट अपन बात करें डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए से डीएनए का बनना क्या कहलाता बेटा? डीएनए रेप्लिकेशन। तो डीएनए से डीएनए का बनना डीएनए रेप्लिकेशन कहां होता है? प्रोकैरियोट में, साइटोप्लाज्म। यानी डीएनए से डीएनए बनाएगा यही बनेगा, क्योंकि इसमें न्यूक्लियस तो है ही नहीं, तो यही बनेगा साइटोप्लाज्म में होगा कोशिका द्रव्य में। और यहां कहां होगा बेटा? न्यूक्लियस में। तो डीएनए से डीएनए यानी डीएनए रेप्लिकेशन की क्रिया कहां होगी? डीएनए प्रतिकृतिकरण। डीएनए रेप्लिकेशन मीन्स डीएनए प्रतिकृतिकरण कोशिका द्रव्य में। डीएनए प्रतिकृतिकरण कहां? केंद्रक में। क्लियर? तो प्रोकैरियोट सेल में डीएनए प्रतिकृतिकरण कोशिका द्रव्य में होगा और यूकेरियोट सेल में डीएनए प्रतिकृतिकरण कहां होगा? केंद्रक में होगा। नेक्स्ट अपन बात करें डीएनए ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए या इसे अपन अनुलेखन भी कहते हैं, अनुलेखन। तो डीएनए से आरएनए का निर्माण होना उसे क्या कहेंगे? अनुलेखन। तो डीएनए से आरएनए का निर्माण अनुलेखन कहलाता है। और जो यूकेरियोट सेल जो होती है उसमें अनुलेखन की क्रिया केंद्रक में होती है, और प्रोकैरियोट में अनुलेखन की क्रिया कहां होती है बेटा? कोशिका द्रव्य में। तो प्रोकैरियोट में अनुलेखन मतलब डीएनए से आरएनए का निर्माण कोशिका द्रव्य में होगा, और यूकेरियोट में डीएनए से आरएनए का निर्माण यानी अनुलेखन केंद्रक में होगा। क्लियर? आगे बात है अनुवादन ट्रांसलेशन, अगला डिफरेंट। देखो ट्रांसलेशन किसे कहते हैं? आरएनए से प्रोटीन का निर्माण ट्रांसलेशन कहलाता है, इसे अपन अनुवादन भी कहते हैं। तो जो प्रोकैरियोट सेल है उस प्रोकैरियोट सेल में अनुवादन की क्रिया कोशिका द्रव्य में, क्योंकि इसमें तो केंद्रक है ही नहीं, तो यहां पर तो अपन बात ध्यान रखकर अपने यूनिवर्सल रख लेंगे कि कोशिका द्रव्य में होगी जो भी कार्य होगा। और यूकेरियोट में अगर मैं बात करता हूं अनुवादन की क्रिया जिसमें डीएनए सॉरी आरएनए से प्रोटीन का निर्माण होता है, वो होती है कोशिका द्रव्य में। तो यहां डीएनए प्रतिकरण, डीएनए ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन और अनुवादन जो है वो प्रोकैरियोट में, तीनों ये क्रियाएं कहां होगी? कोशिका द्रव्य में। जबकि यूकेरियोट सेल में यदि मैं बात करूं तो प्रतिकरण अनुलेखन तो दोनों क्रियाएं तो होगी केंद्रक में, और अनुवादन होगा कोशिका द्रव्य में। क्लियर? नेक्स्ट डिफरेंस अपन बात करें डेफिनेशन परिभाषा। तो देखो अब तक अपन ने इतने डिफरेंट कर लिए तो आप इसके बारे में कुछ जान ही गए होंगे, तो डेफिनेशन अपन बना ही सकते हैं अपने तरीके से। तो देखिए प्रोकैरियोट कोशिका सुविकसित केंद्रक का अभाव होगा, ठीक है, और कोशिका कलायुक्त कोशिकाओं का भी अभाव होगा। तो ऐसी कोशिका जिसमें सुविकसित केंद्रक व झिल्ली युक्त कोशिकाओं का अभाव होता है कौन सी कोशिका कहलाती है? प्रोकैरियोट कोशिका कहलाती है। और यूकेरियोट की बात करें तो इसके अगेंस्ट में दे दीजिए क्या होगी? ऐसी कोशिका जिसमें सुविकसित केंद्रक व सभी झिल्ली युक्त कोशिकांग उपस्थित होते हैं कौन सी कोशिका कहलाती है? यूकेरियोटिक कोशिका कहलाती है। इट इज क्लियर? तो ये अपने डिफरेंट हो गए 25। लास्ट डिफरेंट अपन बात करते हैं 26 एग्जांपल। देखो एग्जांपल मैंने आपको जब प्रोकैरियोट सेल और यूकेरियोट सेल बताए थे वहां पर भी मैंने एग्जांपल बताए थे इसके, और याद रखें सदैव प्रोकैरियोट सेल की जो एग्जांपल होगी या प्रोकैरियोटिक सेल की जो एग्जांपल होंगे वो होंगे मोनेरा किंगडम के जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सारे के सारे कैसे होंगे? प्रोकैरियोटिक कोशिका युक्त होंगे। तो देखिये मोनेरा किंगडम में कौन कौन आते हैं बेटा? माइकोप्लाज्मा, साइनोबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, आर्किबैक्टीरिया और एक्टिनोमाइसिटी। ये इस वर्गों के सारे सदस्य कैसे होंगे? प्रोकैरियोटिक कोशिका युक्त होंगे और इन्हें अपन प्रोकैरियोट्स कहेंगे। इट इज क्लियर? और यूकेरियोट कोशिका में प्रोटिस्टा यानी प्रोटोजोआ संके और सेवाले, इसके अलावा फंगी, कवक, प्लांटे यानी पादप और एनिमिलिया यानी जंतु जगत। ये सारे जितने जो चार किंगडम बच गए वो सारे के सारे चारों किंगडम किसमें आते हैं? यूकेरियोट में। तो यूकेरियोटिक कोशिका किसमें होगी बेटा? प्रोटिस्टा में,
फंगी में, प्लांटी में और एनिमिलिया में। और यह प्रोकैरियोट कोशिका किसमें होगी भी? मोनेरा किंगडम में। तो ये थे भी डिफरेंट प्लांट सॉरी प्रोकैरियोट सेल और यूकैरियोट सेल में, जिसमें हमने 26 डिफरेंट बात किए। और आप सोच रहे होंगे कि इतने डिफरेंट कैसे अपने को लर्न होंगे, तो मैंने देखो डिफरेंट एकदम स्टेप बाय स्टेप बात किए हैं, जो हमने इसकी बाहर से भीतर की तरफ गए और उसके बाद इसके कुछ व्यवहार या इसके कुछ गुणों के में भी अंतर अपन ने किए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।